हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेनिंग एकेडमी। टुडे इज 29th। हम लोग 30th मार्च के लिए आज एनालिसिस देखेंगे। लास्ट कपल ऑफ डेज से एक निफ्टी रेंज में चल रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 7 to 8 डेज से, मतलब लास्ट वीक से, फुल एक रेंज में है। ऊपर जाके नीचे आ रहा है, गैप डाउन गैप अप, और घूम फिर के वही रेंज में आ रहा है। ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है, मेरा लोअर साइड है 17,000 17,000 17,100, ये लोअर रेंज है, और अपर रेंज है 17,300 to 17,250 से लेके 350 तक, ये रेंज है मेरा। दैट्स इट। आज एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ बताया, गैप अप करके एक सस्टेन किया। कल के लिए अगर मुझे एनालिसिस देखना है, क्योंकि आज मार्केट में इतना कुछ था नहीं, जस्ट एक कल का एक हैमर जो बनाया था उसके हिसाब से आज एक गैप ओपनिंग करके उसको सस्टेन किया। और काफी दिनों के बाद, मतलब अगर काफी दिनों के बाद, मतलब ये भी क्लोजिंग बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में आज का क्लोजिंग काफी बेहतरीन दिया। मतलब 17,325 के ऊपर क्लोजिंग करना के लिए कामयाब हो गया आज निफ्टी। एंड वही मुझे चाहिए था। उसका क्लोजिंग प्राइस अगर देखोगे तो 17,325, वही 325 330 अगेन एट द रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कल के दिन मुझे क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। कल के दिन आपको ये जो भी कुछ रेंज है 17,350 की, ये ब्रेक होना काफी जरूरी है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक काफी डिफिकल्ट होगा निफ्टी को फर्दर मूवमेंट देना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे और लोअर साइड में ये जो भी कुछ जोन है, ठीक है, 245 250, ये बाइंग जोन होगा। मतलब कल निफ्टी के लिए मेरे पास दो लेवल्स है। अगर निफ्टी इसको कल क्रॉस करता है 17,350 के ऊपर, तो हम लोग बाय करके चलेंगे। कोई भी 5 मिनट्स का कैंडल अगर इसके अंदर क्लोज होता है या गैप अप भी होता है, तो गैप अप के ऊपर 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो 17,350 के ऊपर आप बाय करोगे, 17,400 माय फर्स्ट टारगेट, 17,455 सेकेंड टारगेट, एंड 17,510, ये 3 डिफरेंट टारगेट्स के लिए मैं इसको बाय करके चलूंगा। क्योंकि अपर साइड मेरा फिर से 17,500 to 5,100 रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिस दिन अगर कल भी क्रॉस हो गया 17,510, जिस दिन क्रॉस हो गया, समझ लेना एक हम लोग नए हाई की तरफ चले जा सकते हैं फिर। क्योंकि 17,510 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। सेम एज लोअर साइड में 17,240 के नीचे अगर जाता है, 230 या 230 हम लोग बोल देते हैं, इसके नीचे अगर जाता है तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। लोअर साइड मेरे टारगेट है 17,150, 17,070 एंड 17,000, ये 3 टारगेट्स है, छोटे छोटे टारगेट्स है। और इन बिटवीन दिस नो ट्रेड, आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आपको करना ही है तो जैसे ये 17,250 के यहाँ पे आता है तो आप बाय करो, ऊपर जाता है 17,300 के यहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन था। क्योंकि निफ्टी बहुत टाइम से, अगर आप देखोगे, अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का अगर निकालू तो आपको दिखेगा कि बहुत दिन से ये कंसोलिडेशन रेंज में है। कल भी उसने वही किया, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था सेम पैटर्न रिपीट किया यहाँ पे। कल भी जो रैली आई थी, इस दिन जो रैली आई थी, इस दिन जो रैली आई थी, सेम रैली। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के यहाँ पे आज ये होल्ड करने के लिए कामयाब हो गया। कल जैसे ये निकलता है, ये मतलब मेरा एक मेजर हर्डल है 17,400, वो जैसे निकलता है हम लोग 17,500 की तरफ निकल पड़ेंगे। तो ये कल सस्टेन होना बहुत जरूरी, बट जैसे ये नीचे क्रॉस होना चालू हो जाएगा, ये फिर से 17,000 के लिए फिर से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जो प्रीवियसली इसने यहाँ पे दी थी। अगर एज पर ओआर डेटा एनालिसिस अगर हम लोग जाएंगे, जो अभी हम लोगों ने प्राइस एक्शन ओरिएंटेड देखा, ओआर डेटा एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि निफ्टी का मंथली क्लोजिंग है और यहाँ पे 17,500 के कॉल साइड में 1,38,000 फ्रेश, मतलब ओपन इंटरेस्ट पेंडिंग है, मतलब इतने लॉट्स खड़े, मतलब ये मेजर हर्डल देने वाला है 17,500। तो वही आपको दिख रहा है कि जैसे ये 17,500 जाएगा, 17,800 तक इसको रुकआउट नहीं है, तो उसके बाद का मेजर हर्डल 17,800। बट यही डिफिकल्ट है, ये शायद कल क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि 17,400 के पास भी आपका नियर अबाउट 1 लाख कॉल शॉर्टिंग खड़े।
तो जैसे ये 17,500 अगर निकलेगा कल, इट्स वेरी डिफिकल्ट निकलना, तो ये बहुत जो शॉर्ट कवरिंग है कॉल साइड में वो आएगा। कॉल जैसे कॉल्स ने जिसने शॉर्ट किया, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको लेके जा सकती है एक बड़े रैली की तरफ, ठीक है। तो सेम एज अगर पुट साइड में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपको बड़ा जो भी कुछ है ये 86,000 17,300 के पास, और उसके नीचे जो है 17,200 के पास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 17,300 का इतना ये नहीं है, तो 17,200 के यहाँ पे आएगा, तो ये सपोर्ट जोन के यहाँ पे हम लोग बाइंग का सोचेंगे। एंड जैसे ये 17,400 के पास आता है, तो हम लोग सेलिंग का सोचेंगे, अगर मुझे कुछ प्राइस एक्शन इंडिकेट्स करता है तो। ये एज पर ओआर डेटा एनालिसिस है। वैसे आज पूरा दिन ये साइडवेज एक्शन था। एज पर सॉफ्टवेयर सिग्नल अगर देखेंगे, जो हमने नया डेवलप किया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट्स वो भी डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने कल भी बोला था कि यू ऑलवेज यूज फॉर द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में हेकेनाची कैंडल के साथ आप सॉफ्टवेयर नंबर 3 टूल यूज करोगे, तो उसने कल ही बाय सिग्नल दिया था। कल के बाय सिग्नल के बाद कल ही उसका हाई निकल गया था, और कल से ये बाय जोन में ही है। और आज पूरा दिन देखेगा तो ये हर्डल ही था ना, रेजिस्टेंस के यहाँ पे ही था। यहाँ पे आज सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में, इवन बूस्टर में, सब में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाइंग का दिया था। आई थॉट कि ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ओआर डेटा भी उसी तरफ था, बट एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, और एंड में इसने यहाँ पे एक बुलिश रैली दी। बट बाकी पूरा टाइम ये साइडवेज जोन में था। बट टुमारो एज पर प्राइस एक्शन, जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिया, मे बी गैप ऑफ ओपनिंग अबाउट 17,400 हो सकता है। तो कल अगर गैप ऑफ ओपनिंग हुआ और 17,400 अगर उसने होल्ड किया पहले 5 मिनट या 15 मिनट, तो उसका हाई जाने के बाद आप बाय करो, और लो जाने के बाद शॉर्ट करो, अगर वो नहीं होल्ड कर पाता है तो, क्योंकि वो फिर से डीप देने आ सकता है। सेम एज नंबर हम लोग बैंक निफ्टी अगर अभी हम लोग देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। लास्ट 7 to 8 डेज से नो ट्रेडिंग जोन में काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखो तो ये 4 डेज में साइडवेज था, फिर ये 3-4 डेज में साइडवेज था। अगर आज की रैली अगर आप देखोगे, तो आज ये जो 3 कैंडल्स था, ये 3 कैंडल्स का ये रेंज ब्रेकआउट कर दिया इसने ऑलमोस्ट। ये रेंज ब्रेकआउट 36,000 के ऊपर ही होगा। 36,000 के ऊपर अगर कल जैसे ही मार्केट निकलेगा, बैंक निफ्टी विल गिव द बुलिश रैली, क्योंकि डेली कैंडल फ्रेम में आप अगर देखोगे तो ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। इसको अगर हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर लेके जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे बाय और सेल कहाँ पे करना है। तो ये मेरा बाइंग जोन है, जो मैंने जहाँ पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि वहां से ही बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट लेके आपको लेवल दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे इसने लिया था, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये भी रैली हमने कैप्चर की थी, ये भी रैली हमने कैप्चर की थी। अभी आपको अगर दिखाया जाए, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हर्डल के पास है। ये तो मेरा नो ट्रेडिंग जोन था, ये जो था वो, इसके बीच में ट्रेड करना मतलब कुछ मुनासिब नहीं। ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। 35,000, जो मैंने कल भी बोला था, 35,500 से लेके 35,800 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। उसके बीच में ही वो स्ट्रगल कर रहा है। मतलब यहाँ पे आया तो आपको बाय करना, यहाँ पे आया तो शॉर्ट करना। बट आज का क्लोजिंग उसने काफी अच्छा दिया, 35,900 के ऊपर क्लोज होने के लिए सफल हुआ। तो कल अगर ये 36,000 के ऊपर अगर निकलता है, 36,000 के ऊपर, तो आप बाय करके चलोगे। ऊपर के साइड टारगेट काफी बड़े, 36,700 एंड 37,300, दीज आर द पोजिशनल टारगेट जो आपको थर्सडे तक दिख सकते हैं। जैसे ये 36,000 निकलेगा, अप साइड में मेरा 1,000 to 1,500 पॉइंट्स का रैली पेंडिंग है, क्योंकि इतने दिन से 3 दिन का वो कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट कर। अगर ये कल सफल नहीं रहा, जो भी कुछ न्यूज आ रहा है, न्यूज आके फिर से आपको ये 35,500 या 35,200-300 के पास अगर मुझे आपको बाइंग के लिए मिलता है ये जोन में विद द कैंडल कंफर्मेशन, जैसे यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन था, ये डाउन साइड है और इसने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद उसने रैली दे दी, तो ऐसा कुछ कैंडल कंफर्मेशन अगर आपको दिखता है, देन ओनली यू कैन बाय, अदरवाइज यू अवॉइड दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 1 या 2 मिनट्स में वो मोमेंटम में आ जाता है। तो ये रैली आपको दिखेगी, क्योंकि ये रैली अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर दिखाऊँ, तो आपको दिखेगा कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के लिए मैं कल वेट करूंगा 36,000 ब्रेकआउट होने के लिए। जैसे ये 36,000 निकलेगा, तो मेरा एक बीच में एक स्मॉल हर्डल है लाइक दिस ओनली, जो 36,300 to 400 के बीच में आता है वो, और ये स्मॉल रुकावट है, ये तो जल्दी निकल जाएगी। तो टुमारो ऑल्सो एज पर बैंक निफ्टी, जो आज उसने
एंड में एक जो टू कैंडल्स का एक कंफर्मेशन बताया है हैमर के बाद, तो यहाँ पे जैसे ही ये कल 36,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा, कोई भी 5 मिनट्स या 15 मिनट, यू कैन जस्ट उसका हाई जाने के बाद बाय करो, 36,000 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और कल अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो शॉर्ट कर दो यही स्टॉप लॉस लगा के, वो कैंडल का हाई लगा के, तो ये कल एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो देखो ना यहाँ पे जैसे ही वो आता है हर्डल लेके नीचे आता है, जैसे ही आता है हर्डल लेके नीचे आता है, तो वही रेंज बाउंड अगर मार्केट कल होना है तो ये आपको बता सकता है। एज पर ओआर डेटा अगर हमको देखना है, जैसे हमने निफ्टी के लिए रेंज देखा, तो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर हम लोग रेंज देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 36,000 एंड के यहाँ पे आपको दिखेगा कि 36,000 कॉल साइड में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कॉल शॉर्टर्स खड़े। वही एक मेजर इंपॉर्टेंट हर्डल, देखो आगे कुछ नहीं, आगे पूरा मैदान साफ है। तो जैसे ही कल ये 36,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ये 1 लाख जो कॉल्स है वो शॉर्ट्स करके खड़े हुए हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे, एंड दैट लीड्स टूवर्ड्स, मुझे ये सारा जो भी कुछ है ये 36,500 पे लेके जाएगा, मतलब 500 पॉइंट्स का रैली इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर कल इसने ये हर्डल लिया तो ये फिर से हर्डल अगर यहाँ पे आ गया तो ये फिर से मुझे यहाँ पे 35,500 के पास आके खड़ा रख सकते हैं। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट लेवल्स, 35,500 एंड 36,000 एज पर बैंक निफ्टी। अगर फ्रेंड्स ये हमेशा आपको पता रहेगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन में बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं, लॉसेस करते हैं 90% ट्रेडर, क्योंकि दे डोंट नो द लेवल्स कि देखो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होता है, बट प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप काम करोगे, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इजिली मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग से नॉलेज अगर गेन करना है तो ऑप्शंस का मेरा कोर्स अभी अप्रैल मंथ में आने वाला है, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। आपको अगर उसका मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।